हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू आवर सुषमाज किचन। तो चलिए आज हम लोग बनाने चलते हैं कस्टर्ड वाली साबूदाने की खीर। लेकिन उससे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमें कमेंट में भी ये बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाई जाती है। मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 लीटर दूध और साबूदाना। ये छोटे दाने का साबूदाना है, इसको 1/2 आवर के लिए मैंने सोक करने के लिए रख दिया था। उसके बाद ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिख रहा है। उसके बाद हम लेंगे और सारी चीज़ें जैसे कि शक्कर, कस्टर्ड पाउडर, इलायची के कुछ दाने, काजू, बादाम और किशमिश। अब हम गैस पर कढ़ाई डालेंगे। इसमें हमें ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। ड्राई फ्रूट जब हमारा रोस्ट हो जाएगा तो अब हमें इसको निकाल लेना है। उसके बाद हमें इसी कढ़ाई में हमें दूध डाल देना है। दूध को हमें उबालना है। हमें सारा दूध नहीं डालना है, हमें थोड़ा सा दूध उसमें से निकाल लेना है। जब तक दूध हमारा उबल रहा है इसको हम दूसरी तरफ रख देंगे। इसके बाद हमें एक पतीला चढ़ाना है, इसमें हमें 1 से 2 कटोरी इसमें पानी डाल देंगे। अब पानी भी हमारा जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम कस्टर्ड को यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड को हमें गर्म दूध में कभी भी मिक्स नहीं करना है, इससे क्या होता है कि कस्टर्ड में लम्स पड़ जाती है। हमेशा हमें याद रखना है कि कस्टर्ड को जब भी हम मिक्स करेंगे ठंडे ही दूध में हमें इसको मिक्स करना है। देख सकते हैं कस्टर्ड भी कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब हमें इसे भी साइड में रख देना है। जब पानी भी हमारा उबल जाएगा तो अब हम इसमें साबूदाना डाल देंगे। साबूदाने को हमें थोड़ा सा पका लेना है। जब तक हमारा सब पक रहा है तब तक हम साइड में ड्राई फ्रूट्स और इलायची को इस ओखली में डाल के कूट लेंगे। आप चाहे तो इसको सिलबट्टे पे भी डालकर इसको अच्छे से कूट सकते हैं। देख सकते हैं हमें साबूदाने को कुछ इस तरह से पका लेना है। इसके बाद हम इस साबूदाने का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हम इस साबूदाने की पानी को छान लेंगे। आप चाहे तो इस साबूदाने को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद भी छान सकते हैं। जब दूध हमारा उबल जाएगा तो अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चीनी लिया है। आपको अगर मिठास ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद हमें इसे 1 से 2 उबाल आने तक पका लेना है। उसके बाद अब हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। कस्टर्ड डालने के बाद हमें इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, नहीं तो कस्टर्ड में लम्स भी पड़ सकते हैं। जब दूध हमारा थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा तब हम इसमें साबूदाने को ऐड कर देंगे। साबूदाने
साबूदाना डालने के बाद हमें इसे लगभग 5 से 10 मिनट तक पकाना है, लेकिन हमें इसको कंटिन्यूअसली चलाते ही रहना है, नहीं तो ये नीचे में चिपक सकता है। अब हम इसमें ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जो हमने ड्राई फ्रूट्स को कूट कर रखा था वही ड्राई फ्रूट्स हम यहाँ पर डाल रहे हैं। जब साबूदाना पक जाएगा तो हम इसमें लास्ट में किशमिश डाल देंगे। देख सकते हैं तो हमारा यहाँ साबूदाना का जो खीर था वो कितनी अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे। अब आप इस साबूदाने की खीर को आप किसी भी बाउल में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो लीजिए, अब हमारे यहाँ पे साबूदाने का खीर जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। ये बहुत ही जल्दी और इजी पीजी सा रेसिपी है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। हमारे इस वीडियो पर अंत तक बनने के लिए धन्यवाद।